वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश कोर का पेपर डिस्कस करेंगे एंड आज का ये वीडियो थर्ड पेपर के लिए। इससे पहले हमने ऑलरेडी पेपर वन एंड पेपर टू ऑलरेडी डिस्कस किए हुए। हर एक पेपर को हमने दो पार्ट में डिस्कस किया, जैसे पेपर वन उसका पार्ट वन एंड पार्ट टू, पेपर टू उसका पार्ट वन एंड पार्ट टू। आज की इस वीडियो में हम थर्ड पेपर डिस्कस करेंगे एंड इसका हम पार्ट वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक पुरानी जो पेपर है उसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। आज का ये वीडियो थर्ड पेपर के ऊपर है एंड जिन बच्चों को नहीं पता है हम करवा क्या रहे, तो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 25 सितंबर को इंग्लिश कोर का, उसके लिए हम आपको सैम्पल पेपर प्रोवाइड करवा रहे। सैंपल पेपर का मतलब होता है सेम वैसा ही पेपर जैसा आपका जो है 25 तारीख को आने वाला है, उसका सेम फॉर्मेट होगा, पैटर्न सेम होगा। ठीक है, क्वेश्चंस चेंज होंगे, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपके सेम होंगे, क्वेश्चंस तो चेंज होंगे लेकिन फॉर्मेट आप समझ जाओगे कि जैसे सेक्शन ए है तो सेक्शन ए के अंदर कैसे क्वेश्चन है, सेक्शन बी के अंदर कैसे क्वेश्चन है एंड सेक्शन सी के अंदर कैसे क्वेश्चन आपको फेस करने होंगे, तो वो सैंपल पेपर के अंदर होता है किस किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसी तरह हमने दो पेपर डिस्कस किए, आज की इस वीडियो में हम थर्ड पेपर करेंगे। आइए इसको डिस्कस करते हैं। टाइम जो आपके पास होगा पेपर को करने के लिए 3 घंटे होंगे आप सभी के पास और 80 नंबर का ये टोटल पेपर होता है। काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे बच्चे कि सर 70 नंबर का पेपर होता है। देखिए 70 नंबर का पेपर आपका कुछ ही सब्जेक्ट होता है, जैसे कि आपका ज्योग्राफी हो गया वो 70 नंबर का होता है। इसके अलावा और सब्जेक्ट होते हैं, एक आधी सब्जेक्ट होते हैं जो 70 नंबर का जिनका पेपर होता है लगभग, और जो सब्जेक्ट बचते हैं जैसे हिस्ट्री हो गया आपका, पॉलिटिकल हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सभी का पेपर 80 मार्क्स का होता है। बाकी जो 20 नंबर बचते हैं आपके वो प्रैक्टिकल मार्क्स, आपके वाइवा, ये सारी चीज़ों में ऐड होते हैं। पेपर की बात करें तो आपके पास 15 मिनट पहले ही पेपर आ जाएगा, एग्ज़ाम के अंदर आपको पढ़ने के लिए पेपर दे दिया जाएगा 15 मिनट पहले। क्वेश्चन पेपर की बात करें तो क्वेश्चन पेपर जो है आपका 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड होगा। एक तो आपका रीडिंग का होगा, दूसरा राइटिंग का होगा और तीसरा लिटरेचर वाला होगा। रीडिंग का सेक्शन की बात करें तो इसके अंदर आपके पैसेज वाले क्वेश्चंस होंगे। राइटिंग वाले सेक्शन में आपके जो है जैसे ग्रामर हो गया, आपका एडवर्टीजमेंट हो गया, पोस्टर हो गया, स्पीच हो गया, डिबेट हो गया, ये सब आपके राइटिंग वाले सेक्शन में आ जाएंगे। लिटरेचर वाले सेक्शन में आपके बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक पेपर नहीं देखा है तो आप पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं, साथ ही साथ आज की इस वीडियो में भी आप देख लेंगे रीडिंग वाला सेक्शन कैसा होता है। ठीक है, अटेम्प्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट दे दिए जाएंगे। राइट द करेक्ट क्वेश्चन नंबर इन योर आंसर शीट टू इंडिकेट द ऑप्शंस बीइंग अटेम्प्टेड। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर सही लिखना है ताकि पता चले कि किस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि आप इस फर्स्ट पेज को तो समझ गए होंगे। चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं एंड पेपर की तरफ। पेपर में आगे बढ़ने से पहले मैं, अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, कृष्णा साहनी 08 करके मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। कोई भी डाउट रहता है आपका तो आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं जो सिर्फ क्लास 11th के बच्चों के लिए बनाया गया है, VSP क्लास 11th ग्रुप। आप टेलीग्राम पे इसे सर्च करेंगे तो आपको ये ग्रुप मिल जाएगा, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहती है वो हम यहाँ पर प्रोवाइड करवा देते हैं। एक बार मैं आपको डेट शीट दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास 11th का और ये मिड टर्म की डेट शीट है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंग्लिश कोर का जो पेपर है आपका पहला पेपर जो कि 25 तारीख को है। ठीक है, वेडनेसडे के दिन है आपका ये पेपर, तो इसके लिए आपको हम पेपर प्रोवाइड करवा रहे हैं। बाकी आपने डेट शीट नहीं देखा है तो आप ये पूरी डेट शीट भी देख सकते हैं, इसके अलावा हमने चैनल पर भी करवाया हुआ है। चलिए पेपर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आपका थर्ड पेपर कहाँ से स्टार्ट है और कैसे क्वेश्चन होंगे, सारी चीजें आपको उसके अंदर पता चल जाएगी। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो जाता है एंड यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है आपका पैसेज वाला। पैसेज दिया हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, नीचे क्वेश्चंस है और यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। 10 नंबर का पूरा पैसेज आता है एंड MCQ क्वेश्चन इसके अंदर हो सकते हैं या जिसका आंसर आपको लिख के देना होगा एक लाइन में, दो लाइन में, वो भी हो सकते हैं। आइए एक बार हम पैसेज को देख लेते। कुछ चीजें आपको पैसेज में ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो सेक्शन ए रहता है आपका, सेक्शन ए के अंदर आपके 3 क्वेश्चंस मेनली होते हैं जिसमें सबसे पहला आपका पैसेज रहता है, दूसरा भी पैसेज रहता है, तीसरा भी पैसेज रहता है लेकिन इसके अंदर नोट मेकिंग रहता है आपका। ठीक है, इसके अंदर दूसरे पैसेज के अंदर जो है आपका पैसेज ही रहता है लेकिन ये डाटा वाला पैसेज होता है एंड तीसरा नॉर्मल पैसेज होता है।
इसके अंदर सबसे ध्यान देने वाली बात आपको है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है बिल्कुल भी, ठीक है, आपको सेक्शन बी या सी बिल्कुल भी नहीं आता है, तब आप सेक्शन ए को पहले करेंगे, वरना सेक्शन ए यानी ये वाला जो तीन क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको सबसे लास्ट में करना है, इसको लास्ट में करना है, क्योंकि कम से कम ये आपका एक डेढ़ घंटा, आधा टाइम आपका पूरा एग्जाम का तीन घंटे का रहता है, आधा टाइम आपके ये तीन क्वेश्चन खा जाएंगे, इसीलिए इन क्वेश्चंस को आप लास्ट में अटेम्प्ट करें वो सही रहेगा। बाकी क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 10 नंबर का है, सबसे पहला क्वेश्चन है। एंड एक और चीज कि आपको पैसेज को पढ़ना नहीं है, पहले नीचे की तरफ आना है एंड क्वेश्चंस को देखना है, ठीक है, पैसेज को ना पढ़े आप, टाइम वेस्ट होगा, इससे आप नीचे की तरफ आएंगे क्वेश्चंस की तरफ डायरेक्ट। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है, इंडिया कैन बिकम अ टूरिस्ट पैराडाइज, यहाँ पे बोला गया है, यानी क्या है इसकी हिंदी अगर हम देखें तो इंडिया क्या है टूरिस्ट के लिए यानी पर्यटकों का क्या है स्वर्ग बन सकता है, आपके सामने ऑप्शन दिए हुए, बाय फ्लो ऑफ वेल्थ फ्रॉम अदर कंट्रीज, बाय इट्स रिवर वैलीज एंड हिमालयस के कारण, बाय बिल्डिंग मोर होटल्स इन द कंट्री, एंड डी है बाय वेलकमिंग फॉरनर्स टू इंडिया, ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड इसका आंसर हम जाते हैं पैसेज के अंदर, इसमें देखते हैं हमें इंडिया कैन बिकम अ टूरिस्ट पैराडाइज कैसे बन सकता है, तो पैराग्राफ वन में ही ज्यादातर पहले क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। इंडिया कैन रियली बिकम अ टूरिस्ट पैराडाइज ऑन अर्थ एज वी हैव सो मच टू ऑफर टू द विजिटर, यहाँ पे आपको एक एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ मिल रहा है ऐसा, जैसे कि द ब्रीथ टॉकिंग ब्यूटी ऑफ हिमालयस इट्स वैलीज एंड रिवर्स द नंबरस वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज डोटेड ऑल ओवर द कंट्री, यहाँ पे हमें आंसर मिल गया हिमालयस वैलीज करके, ठीक है, तो इसके कारण क्या है स्वर्ग बन सकता है कैसे, तो भारत में क्या है, एक तो अगर हम देखें यहाँ पे रिवर्स है वैलीज है एंड हिमालयस है, जिसके कारण क्या है भारत जो है पर्यटन का स्वर्ग बन सकता है, पैराडाइज मीन्स स्वर्ग, ठीक है, हिंदी में इसे स्वर्ग कहते हैं। तो ये आपका पहले का राइट आंसर क्या निकल कर आ गया, ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी सही होगा। आगे चलते हैं ऐसे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, दूसरा क्वेश्चन है आपका पिक द ऑप्शन दैट लिस्टेड स्टेटमेंट द दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इसमें से आपको चुनना है जो चीजें जो आपने पैसेज में देखी वो नहीं है, ठीक है, ट्रू नहीं है यानी सही नहीं है। तो यहाँ पे द ब्रीथ टॉकिंग ब्यूटी ऑफ द हिमालयस वुड अट्रैक्ट एनी टूरिस्ट ऑफ इंडिया, तो ये पहला सही हमने अभी हमने पढ़ा था, ये सही हो जाएगा। दूसरा है टैक्सी ड्राइवर्स डू नॉट चीट द विजिटर, तीसरा है बेटर टूरिस्ट फैसिलिटीज विल मेक द टूरिस्ट हैप्पी, एंड चौथा है आपका गवर्नमेंट एजेंसीज कैन अरेंज ग्रुप टूर्स फॉर फॉरनर्स टू प्रमोट टूरिज्म, यहाँ पे आपके सामने ये ऑप्शन दिए हुए हैं नीचे की तरफ, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं एंड इसमें से आपको चुनना है कि सही क्या है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके लिए आपको थोड़ा पैसेज को पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इसके अंदर पहला सही है, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका एक और दो यहाँ पे गलत, यहाँ पे सही नहीं है पूछा है, यानी ये तो सही है, यानी ऑप्शन जो आपका ये है कट जाता है, ये है कट जाता है, दो बच्चे बी और सी। इसके अंदर देखेंगे बेटर टूरिस्ट फैसिलिटीज विल मेक द टूरिस्ट हैप्पी, तो ये वाला भी सही है, तीसरा भी सही है, यानी दो दूसरा, ठीक है, एंड फोर्थ, यानी ऑप्शन जो बी है ये ट्रू नहीं लग रहा है हमें, अगर आप पैसेज को पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको हिंट मिल जाएगा कौन सा सही नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी निकल कर आ जाएगा। मैं आपको एक बार पैसेज की तरफ जाके दिखा देता हूँ, अगर आपको ढूंढना हो तो आप पैसेज में ढूंढ सकते हैं, बाकी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, हमने पहले वाले का ही देख लिया था इसके अंदर, एंड तीसरा जो है वो भी सही है, दूसरा और फोर्थ वाला जो है वो सही नहीं है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, हाउ इज जो है टूरिज्म एवरीबॉडीज बिजनेस, यानी टूरिज्म है यानी पर्यटन जो है सबका बिजनेस कैसे है आपको बता, ठीक है, किसी का व्यवसाय कैसे है पर्यटन, किसी का व्यवसाय कैसे, तो इससे क्या होता है दूसरे फॉरनर्स आते हैं एंड वहां पे जैसे फॉरनर्स आए अमीर कंट्री से, आप घूमने जा रहे हैं कोई तो अमीर बंदा ही होगा, ठीक है, तो अमीर कंट्री से ही होगा ज्यादातर घूमने वाला, तो वो आएगा दूसरे देश एंड वहां पे क्या होगा अपने पैसों को खर्च करेगा, इससे क्या होगा फ्लो और वेल्थ प्रोड्यूस इट्स बेटर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग रिच एंड पुअर, यहाँ पे राइट आंसर ये निकल कर आएगा। बाकी हम एक बार पैसेज में चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर हमें कहाँ पर मिलता है, यहाँ पे देखिए आप फोर्थ पे देखेंगे यहाँ पे दिया है, बट टूरिज्म इज एवरीबॉडीज बिजनेस एज ऑल बेनिफिट्स फ्रॉम इट्स वेल्थ फ्लो फ्रॉम एफ्लुएंट कंट्रीज टू द लेस एफ्लुएंट विद इन द कंट्री इटसेल्फ, इट मूव्स फ्रॉम द डेवलप्ड एरियाज टू द लेस डेवलप्ड वंस, तो ये आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन जो है आपका
ए वाला, ये इसका राइट आंसर निकल कर आ जाए। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, इसका है गुड फैसिलिटीज फॉर टूरिस्ट विल टेम्प्ट पीपल टू कम टू विजिट इंडिया, विच वर्ड डज नॉट डिस्क्राइब द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, यहाँ पे बोला गया एंड इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा आपका, यहाँ पे जैसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर है आपका 4th वाला जो है, इसके अंदर बोला गया है कि पर्यटकों के लिए अच्छी सुविधाएं लोगों को भारत घूमने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। टेम्प्ट मतलब प्रेरित करती है। विच वर्ड डज नॉट डिस्क्राइब द अंडरलाइन वर्ड, यहाँ पे अंडरलाइन है ये एंड इसमें जो है बोला गया है इनमें से कौन सा शब्द जो है सही वर्णन नहीं करता, कौन सा शब्द रेखा की शब्द का वर्णन नहीं करता है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन जो ए है जिसका मतलब होता है लालच, ऑप्शन ए ये वर्णन नहीं करता है। बाकी इसका मतलब होता है उत्तेजित करना, ठीक है, विकर्षित करना, रिपेल का, एंड डी है इनवाइट करना, आमंत्रित करना। बाकी ऑप्शन ए आपका राइट आ जाएगा जिसका मतलब है लालच। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 है आपका वेल्थ फ्लोस। आप देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जरूरी नहीं है आपको पैसे में मिले, हाँ वर्ड जरूर मिल जाएंगे आपको लेकिन एक्यूरेट आंसर थोड़ी नहीं मिलेगा कि इसका मतलब ये होता है वहां पे पैसे में, आपको खुद समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ आएंगे वेल्थ फ्लोस फ्रॉम एफ्लुएंट कंट्रीज टू द लेस एफ्लुएंट द स्टेटमेंट सोर्स, यानी ये स्टेटमेंट हमें क्या दिखाता है, इसकी मीनिंग समझ लीजिए। जो पैसा है वो अमीर देशों यानी अच्छे खासे देशों से, समृद्ध देशों से कम जो समृद्ध देश होते उसकी ओर आता है, प्रवाहित होता है। तो आपको बताना है कि द स्टेटमेंट सोर्स यानी ये स्टेटमेंट जो है वो क्या दिखाता है, रिवर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ यानी धन का विपरीत वितरण, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ आ गया, ठीक है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये जो है इसका आंसर भी आपको पैसेज के अंदर जब आप पढ़ेंगे तब समझ पाएंगे। बाकी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको मिल जाए ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर आपको डायरेक्ट बिल्कुल डायरेक्ट सेम नहीं मिलेंगे, इसको आपको समझना पड़ेगा। बाकी इसके आंसर्स को देखें हम, जो जो टूरिस्ट होते हैं वो आते हैं एंड खर्च करते हैं अपना पैसा, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इसके बारे में एक बार जाते हम एंड देखते हैं इसका आंसर जो लग रहा है मुझे। एक मैं भी अभी अभी पैसेज पढ़ता हूँ तो पेपर बनाते वक्त, फिर पेपर पढ़ते आंसर जो है मैं खुद बनाता हूँ इसका, ठीक है, पैसेज को लेकर, एंड मेरे से भी गलतियां हो सकती है, ऐसी नहीं है कि मैं बिल्कुल राइट हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है बिल्कुल एक्यूरेट मिल नहीं रहा है, बट इसका जो कहा जा रहा है क्वेश्चन कि जो धन है पैसा है वो समृद्ध देशों से कम समृद्ध देशों की ओर आता है, प्रवाहित होता है। तो रिवर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड ये दोनों में से एक लग रहा है राइट आंसर, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। बाकी ऑप्शन ए इसका राइट निकल कर आएगा मुझे ऐसा लगता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आएंगे, बाकी मैं आपको एक बार पैसेज दिखा देता हूँ, आप काम करना कि वीडियो को रोक सकते हैं, जैसे मैंने पैसेज दिखाया इसके अंदर वीडियो को रोककर आप इसका आंसर ढूंढ सकते हैं एंड इस वाले पैराग्राफ में पैसेज में भी आप ढूंढ सकते हैं इसका, ठीक है। बाकी इसका आंसर राइट बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा, हाँ आप पैसेज पढ़ेंगे जो उसका जो भी निष्कर्ष निकलता है उसके बारे में आप लिख पाएंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते, अकॉर्डिंग टू द पैसेज डज एनी कंट्री इन द वर्ल्ड पोसेस सो मच वेराइटी एज इंडिया, यानी जो अकॉर्डिंग टू द पैसेज यानी पैसेज के अकॉर्डिंग क्या कोई विश्व में ऐसा देश है जो भारत जैसी स्थिति या भारत जैसी जो विविधता है वो लेकर बैठा हो। तो इसका आंसर हम देखते हैं एक बार पैराज के अंदर, इसके अंदर मिलता है कि नहीं मिलता, ठीक है। आगे चलते इसके अंदर ढूंढते हैं आंसर मिलता है कि नहीं। बाकी इसका आंसर क्या है यहाँ पे देखेंगे, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड पोसेस सो मच वेराइटी, नो आ गया यहाँ पर यानी कोई भी नहीं है ऐसा कंट्री जिसमें भारत जैसी विविधता देखने को मिलती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या निकल कर आएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा नो। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 है विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज इज अपोजिट इन मीनिंग टू जो है दिस इज, ठीक है, यहाँ पे बोला गया है जिसका मीनिंग क्या होता है, इसका बोला गया है कि इस पैसेज के अंदर ऐसा कौन सा शब्द है निराश, ठीक है, निराश होता है, इसका मीनिंग बताना है आपको अपोजिट, यहाँ पे अपोजिट मीनिंग पूछा गया है। तो यहाँ पे इरिटेट, टेम्प्टेड, डिस्करेज या पब्लिसिटी, यहाँ पे ऑप्शन है ये आपका, तो ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है एंड इसका जो राइट आंसर होगा आप मुझे अपोजिट बताइए कि इसका क्या निकल कर आएगा। इस वर्ड का जो है आपका दिया हुआ है डिस, ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर बताइए।
बाकी इसका राइट आंसर जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऑप्शन बी निकल कर आएगा, जिसका मतलब होता है प्रलोभित करना, अपोजिट पूछा गया, यानी इसका मतलब तो निराश है और इसका इसमें जो है खुशी वाली चीजें होनी चाहिए, वर्ड के अंदर अपोजिट होगा। सेवन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन है, व्हाट विल द टूरिस्ट डू इफ दे गो होम इरेटेड एंड अनहैप्पी, यानी जब जो है टूरिस्ट जो है पर्यटक है चिढ़कर या दुखी होकर जो है घर लौटता है तो वो क्या करता है। अर्ग अदर्स टू विजिट आवर कंट्री, यानी वो क्या है हमारे देश की यात्रा करने के लिए वो जो है आग्रह करता है लोगों से। लॉन्ग अवेटेड ट्रेवल टू विजिट आवर कंट्री, यानी हमारे देश की यात्रा करने के लिए लंबे समय से प्रतीक्षा यात्रा। डिसवर्ड अदर्स फ्रॉम विजिटिंग आवर कंट्री, या दे विल ओनली रिमेन म्यूट जो है स्पेक्टर्स, ठीक है यहाँ पे बोला गया है। एंड यहाँ पे जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा वो क्या है, हम रोकता है दूसरों को कि हमारे देश में आने से, क्योंकि जब वो इरिटेट या अनहैप्पी होकर जाएगा तो वो दूसरों को मना ही करेगा कि इसमें देश में मत जाइए, सही नहीं है। इसका निकल कर आएगा ऑप्शन सी। एंड इसका आंसर आप पैसेज में भी जाकर देख सकते हैं, पैसेज के अंदर आपको मिल सकता है इसका आंसर, जब वो इरिटेट होकर जाएगा ठीक है अनहैप्पी होगा। तो देखिए यहाँ पे लेट अस गिव द टूरिस्ट द फैसिलिटीज ही इज यूज टू इन हिज ओन कंट्री, इफ ही गोज होम इरिटेड एंड अनहैप्पी ही विल श्योरली डिस्करेज अदर फ्रॉम विजिटिंग आवर कंट्री। तो ये आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, रोकेगा वो दूसरों को। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच एजेंसीज कैन ऑल्सो प्ले एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन जो है प्रमोटिंग टूरिज्म, गवर्नमेंट एजेंसीज, प्राइवेट एजेंसीज, सेमी गवर्नमेंट एजेंसीज या नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज। यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि पर्यटन जो है आपका टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने में ऐसी कौन सी एजेंसियां भी महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभा सकती है। आइए एक बार चलते हैं हम पैसेज के अंदर एंड ढूंढते हैं इसका आंसर, हम मिलता है कि नहीं हमें। पैराग्राफ 3 में देखेंगे, द गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग न्यू एंड बेटर फैसिलिटीज, ठीक है, इफ वुड डू एज गुड इफ सर्टेन इरिटेंट कनेक्टेड विद कस्टम फॉर्मेलिटीज कुड ऑल्सो बी रिमूव्ड। यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसियों के बारे में बात हुई है, ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसियां जो है वो भी जो है इसमें रोल अदा कर सकती है टूरिज्म को बढ़ावा देने में। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, गवर्नमेंट एजेंसीज। बाकी आप पैरा जो है पढ़ सकते हैं अपने आप से भी। एंड लास्ट क्वेश्चन रहता है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 10, द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस पैसेज, इसके लिए आपको एक टाइटल देना है एंड इसके बारे में आप देखेंगे, आपको टाइटल खुद से देना होगा। एंड यहाँ पे आप टाइटल देख सकते हैं, इसको पूरा पढ़ेंगे टूरिज्म के बारे में तो इंडियन टूरिज्म करके, या अपने आप से भी जो है टाइटल दे सकते हैं। टाइटल आपका गलत नहीं होगा क्योंकि टाइटल वो आपकी मर्जी से आपको देना है जो इसमें फिट बैठ सके, ठीक है। बाकी जो भी आप टाइटल लिखेंगे उसमें आपको नंबर जरूर मिलेगा, बस रिलेटेड होना चाहिए। जैसे इंडियन टूरिज्म आप डाल सकते हैं, वेलकम टू इंडियन टूरिज्म, ऐसी चीजें आप टाइटल यहाँ पे लिख सकते हैं। ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा है, आप लिख सकते हैं इसका आंसर खुद भी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, जिसके 11 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वैसे तो, एंड उसमें से 10 करने होंगे, मैंने 10 के 10 ही क्वेश्चन लिए, 10 करके दिखाए। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, कुछ इस तरह से पैसेज आपको पढ़ने हैं एंड खुद से इस तरह से आंसर होगा। अब देखिए पैसेज तो सेम नहीं आ पाएगा आपका, इसीलिए प्रैक्टिस करिए आप, सेम भी आ सकता है ऐसा नहीं है बिल्कुल ही नहीं आ सकता, बाकी प्रैक्टिस आपके बहुत कम चांस होते हैं कि पैसेज सेम आ जाए, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आएंगे, रीड द पैसेज गिवन बिलो, एंड ये भी आपका जो है लेकिन ये डेटा वाला पैसेज होगा, इसमें आपको डेटा दिया जाएगा, कुछ चार्ट टाइप का दे दिया जाता है, जैसे इसमें देखेंगे नीचे की तरफ ये है चार्ट आपका, एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। ये 8 नंबर का पैसेज रहता है एंड इसका क्वेश्चंस को आगे हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, व्हाट इज द मिनिमम एज जो है प्री सब्सक्राइब बाय द स्टडीज टू गिव मोबाइल फोन्स टू चिल्ड्रन। यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन ये है आपका कि जो मोबाइल फोन है कितने से कितने उम्र के लिए बताया गया, कितने उम्र तक के लिए जो है चिल्ड्रन को देना चाहिए, मिनिमम एज क्या रखी है देने के लिए, ठीक है, बच्चों को मोबाइल फोन देने के लिए क्या न्यूनतम आयु बताई गई है। तो पैसेज में चलते एक बार देखते हैं हम इसके अंदर हमें मिलता है कि नहीं, कितनी एज बताई गई है देख लेते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ 2 में आएंगे आप, स्टडीज रिकमेंडेड दैट मोबाइल फोन शुड ओनली बी गिवन टू चिल्ड्रन अबाउ 16 ईयर्स ऑफ एज। तो यहाँ पे 16 ईयर्स ऑफ एज की बात हुई है एंड राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी निकल कर आ जाएगा, 16 ईयर्स होनी चाहिए।
ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आए, विच ऑफ दीज जो है दिस इज लिंक टू मोबाइल फोन यूजेज, तो यहाँ पे ऑप्शन आपके दिए हुए, यानी कौन सी बीमारी होती है मोबाइल फोन यूज करने से, ठीक है, कौन सी बीमारी जुड़ी हुई है इससे। तो आइए एक बार चलते हैं, हम देखते हैं इसके अंदर। अब इसके लिए आपको कई सारी यहाँ पे बीमारियां दी हुई है, जैसे यहाँ पे देखेंगे, ब्रेन एंड बॉडी आर स्टिल डेवलपिंग, दिस रेडिएशन कैन कॉज सेल डैमेज, यहाँ पे बताया हुआ है। एंड यहाँ पे और भी चीजें बताई है डैमेज के बारे में, ठीक है, नुकसान क्या होता है यहाँ पे, यहाँ तक कि कैंसर की भी आपकी जो है ऑप्शन में बात हुई है, तो यहाँ पे कैंसर के बारे में बताया हुआ है उससे यूज से। बाकी बहुत आप पढ़ेंगे तो पूरा आपको मिल जाएगा, इसका राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा, ये सभी बीमारियां होती है, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, व्हाट परसेंटेज ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स आर अगेंस्ट गिविंग मोबाइल फोन्स टू स्टूडेंट इन एनी सिचुएशन, यानी ऐसे आपको परसेंटेज बताना है जो बिल्कुल ही मना करते हैं कि छात्रों को क्या है मोबाइल देने के बिल्कुल ही खिलाफ है। तो यहाँ पे आप चलते हैं, एंड डेटा वाला है तो इसके अंदर आपको जो आंसर है वो इसके अंदर भी मिलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बात हुई है नो नेवर, यहाँ पे जो है बिल्कुल ही नहीं देने वाले, वो कितने हैं वो 43%, तो राइट आंसर आपका निकल कर आ गया 43%, जो यहाँ पे अगर आप चार्ट को देखेंगे, स्टूडेंट शुड बी गिवन मोबाइल और नोट यहाँ पे दिया हुआ है, एंड यहाँ पे चार्ट में बताया हुआ है, ये तो जो है बिल्कुल नहीं करते हैं, मना करते हैं, ये कहते हैं यस बट ओनली इन इमरजेंसी में बोलते हैं 20%, यस बट नोट ड्यूरिंग क्लासेस जो है क्लास के समय नहीं बोलते, एंड यहाँ पे यस नो जो है 7% है। तो यहाँ पे हमें निकल कर चार्ट जो आता है इसका जो राइट आंसर निकल कर आता है, किसी भी सिचुएशन में देने से मना करते छात्रों को, वो है ऑप्शन डी 43%, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे की तरफ आएंगे, क्वेश्चन नंबर फोर है, विच ऑफ दीज कैटेगरीज इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस जो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन नंबर आपका फोर है, कि ये आपका चार्ट दिया हुआ है कुछ इस तरह से, कौन सा दर्शाया हुआ है ये आपको बताना है जो चार्ट में दिखाया गया है। तो यहाँ पे यस नो रिस्ट्रिक्शंस, यस बट नो ड्यूरिंग क्लास आवर्स, ठीक है, यस बट ओनली इन इमरजेंसी नो नेवर, तो इस चार्ट को आप देखेंगे तो इसके कलर से आप थोड़ा जान पाएंगे कि ये किसकी बात कर रहा है। तो हम देखते हैं इसमें, एंड ये जो है कलर, ये आपका करीब जो है कलर और शेप जो है ये इससे मैच कर रहा है 20% वाले, ठीक है, तो यस बट ओनली इन इमरजेंसी 20%, तो ये आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, यस बट नॉट ड्यूरिंग क्लास आवर्स, ठीक है, एंड सॉरी एक मिनट हम देखते हैं, सी है ऑप्शन, यस बट ओनली इन इमरजेंसी, ये आपका ऑप्शन सी निकल कर आएगा, ठीक है, इस कलर से आप मैच कर पाएंगे इसके आंसर को, ये है आपका आंसर, ये आपका हो जाएगा आंसर सी। एंड क्वेश्चन नंबर पांचवे की तरफ आएंगे, पिक आउट द वर्ड ऑफ पैराज फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम ऑफ जो है एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है, यूज्ड इन पैरा वन, पैरा जो वन है उसके अंदर जो है यूज किया हुआ शब्द है, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है असाधारण, ठीक है, असाधारण, तो इसका आपको ढूंढना है, मीन सेम होना चाहिए जो, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, जैसे आपके ऑप्शन देखेंगे, हाई क्लास है, लेवलीस है, वेंडर है या बोजली है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी निकल कर आएगा, लेविश, ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाए। बाकी आप पैसेज में जाके पैरा वन में जाकर देखेंगे, एक बार चलते हैं पैरा वन में और देखते हैं, देखिए यहाँ पे जो है ये आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, हम पैसेज को पढ़ेंगे आप जब पैराज को, तो पता चल जाएगा आपको, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। पिक आउट द वर्ड ऑफ पैराज फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अपोजिट टू कॉन्ट्रैक्टिंग, अपोजिट ढूंढना है इसका कॉन्ट्रैक्टिंग का, एंड इसमें जो है आपका बोला गया है, जैसे इसका कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब क्या होता है, अनुबंध करना, हिंदी में बोलते हैं अनुबंध करना, ठीक है, एंड इसका आपको अपोजिट ढूंढना है क्या है, तो यहाँ पे आप देखेंगे अनुबंध करना, ठीक है, अगर ऑप्शन देखे तो रिकमेंडिंग है, डेवलपिंग है, एब्सॉर्बिंग है, एंड लिंकिंग है, यहाँ पे बोला गया है, एंड इसका अगर हम देखें तो इसका आंसर आप मुझे एक बार पैरा में से बताइए, क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर क्या निकल कर आएगा, एक बार हम पैराग्राफ में जाते हैं एंड देखते हैं इसका आंसर, हमें मैं आपको दिखा देता हूं इसका जो है पैसेज दिखा देता हूं, आप मुझे इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या निकल कर, अपोजिट वर्ड आपको बताना है, ठीक है।
आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, द वर्ड जो है कंडक्टेड यूज्ड इन पैरा 3 जो है सेम वर्ड आपको बताना है इसमें। तो यहाँ पे आपका जो है पैरा 3 में जो दिया हुआ है कंडक्टेड शब्द का मीनिंग बताना है। यहाँ पे जैसे स्टीड प्लान सोल्ड जो है फाइनलाइज, तो यहाँ क्या राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कंडक्टेड मीन्स होता है आपका जो कंडक्ट किया गया, जैसे एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, ठीक है, लिया गया, एंड उसका जो है आपको सेम चीज ढूंढना है। तो एक बार हम पैरा 3 में जाके देखते हैं इससे रिलेटेड वर्ड हमें मिलता है क्या। पैरा 3 एंड इसका जो आंसर है फाइनलाइज्ड शायद ऑप्शन डी मुझे लग रहा है, बाकी आप मुझे इसका भी कमेंट करके बताइए कि क्या निकल कर आएगा। कंडक्टेड मीन्स सेम वर्ड आपको बताना है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 आपका लास्ट रहता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ जो है पेरेंट्स या टीचर आर एग्री टू गिव फोन्स टू स्टूडेंट बट नॉट ड्यूरिंग क्लासेस, तो कितने परसेंट है। आइए एक बार चलते हम इस चार्ट में एंड देखते हैं, ये है 30%, देना तो चाहते बस क्लास के टाइम नहीं। तो ऑप्शन जो है आपका 30% जो है वो सही राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन सी। तो ये आपका दूसरा पैसेज कुछ इस तरह से हो जाता है। एंड ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था जो कि 8 नंबर का पूछा जाएगा। 9 क्वेश्चन आएंगे टोटल, 9 में से कोई 8 करने होंगे आपको। मैंने 8 के 8 क्वेश्चन लिए और 8 करके बताए। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, जो मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं आप उसे ढूंढ के जरूर जो है देखना कहाँ पे है उसके राइट आंसर। एंड तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते, तीसरा भी पैसेज ही होता है लेकिन ये आपका नोट मेकिंग के ऊपर होता है। तो नोट मेकिंग के लिए आपको थोड़ा पैसेज को पढ़ना होगा, ठीक है, एंड टॉपिक आपको जानना पड़ेगा कि किस टॉपिक के ऊपर है, क्योंकि नोट मेकिंग में होता क्या है, ये आपको पूरा का पूरा दिया हुआ है पैसेज। एंड इसकी आपको क्या है नोट मेकिंग बनानी होती है, यानी आपको नोट्स बनाना है। नोट्स मतलब क्या होता है, आपने पूरी की पूरी मान लीजिए कि आपने एक चैप्टर पढ़ा चैप्टर 1, ठीक है, जैसे हमने चैप्टर 1 पढ़ा, अब इसमें जो है इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी उसको हम नोट्स बना लेते। मान लीजिए 10 पेज का था तो हमने उसको कितने कम शब्दों में जो है अपने 1 पेज के अंदर नोट मेकिंग हमने बना ली। ऐसी आपको 50 वर्ड का मतलब करीब जो है कम शब्दों में आपको नोट तैयार करने होते। जैसे टाइटल यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे पैसेज को तो करप्शन के ऊपर है, ठीक है, पूरा का पूरा जो पैसेज है यहाँ पे करप्शन की बात की हुई है। यहाँ पे आप पढ़ सकते करप्शन इज वन फॉर्म और अनदर इज अ वर्ल्ड वाइड फिनोमेनन बट एवरीवन एडमिट्स दैट करप्शन इज समथिंग अगली, ठीक है, यहाँ पे करप्शन की बात हुई है एंड इससे रिलेटेड आपको बनाना है नोट मेकिंग। तो यहाँ पे है आपको टाइटल लिखना होगा, सबसे पहले टाइटल क्या है करप्शन, एंड यहाँ से आपकी नोट मेकिंग स्टार्ट हो जाती है। नोट मेकिंग में क्या होता है आपने टाइटल लिख दिया, फिर उसके बाद अपनी हेडिंग लिखी है, हेडिंग में करप्शन एंड इसके जो है इफेक्ट ऑन सोशल लाइफ पे बात हुई है, एंड इसके आपको क्या है पॉइंट्स बनाने हैं। जैसे हेडिंग है तो इसकी आप सब हेडिंग टाइप की बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 1-2 बनाई हुई है जैसे करप्शन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोशल लाइफ। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने पैसेज से ही उठाया है, पैसेज कहाँ पर है इसका, ये पैसेज में कहाँ पर है, जैसे यहाँ पे बात हुई है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे है करप्शन नेपोटिज्म एंड जो है डायनोस्टी हैव जो है टर्नाइज एवरी फैब्रिक आवर सोशल लाइफ, ठीक है, तो यहाँ पे करप्शन नेपोटिज्म यहाँ पे बात हुई है आवर सोशल लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे। एंड एक और चीज आपको याद रखनी है एब्रीवेशंस भी यूज करने होते हैं, यानी शॉर्ट की आपको बनानी होती है, जैसे यहाँ पे NEPO और डॉट लिख दिया गया, तो यहाँ पे आपको लिख के बताना होगा आपने यूज किया है, 4-5 ही आपको ज्यादा से ज्यादा 5 यूज करना उसमें। जैसे NEPO लिखा हुआ है तो नेपोटिज्म इसका फुल फॉर्म आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको बताना होगा। ऐसे ही आप देखेंगे आगे भी यूज किए होंगे शॉर्ट करके जो है वर्ड एंड उसकी फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दी होगी, ठीक है, तो ये आपको बनाना होता है नोट मेकिंग में भी। बाकी दूसरी आप हेडिंग पढ़ सकते हैं एंड इसकी सब हेडिंग यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगी, जैसे यहाँ पे PREV लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे एंड इसके जो है करप्शन एट डिफरेंट लेवल कितने किस लेवल पे है। तो पैसेज में जाएंगे आप, पैसेज में से आपको करना है, अगर आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है तो बहुत अच्छे तरह से कर पाएंगे, वरना आपको करना कैसे ही है एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप इसके अंदर देखेंगे ये है जैसे करप्शन हो गया नेपोटिज्म हो गया, यहाँ पे कोमा लगा हुआ, ठीक है, एंड इस जहां जहां अगर आपको 4-5 चीजें कोमा में दिख रही है यानी वो कोई जो है इंपॉर्टेंट चीज है आप उसको जो है लिख सकते हैं, अगर बिल्कुल नहीं आता है तो करना। जैसे करप्शन इज प्रीवेलिंग एट ऑल लेवल्स, देखिए यहाँ पे कोमा है, सोशल है, एडमिनिस्ट्रेटिव है,
मोरल एंड स्पिरिचुअल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आप जो है बना सकते हो टॉपिक हेडिंग एंड सब हेडिंग, तो यहाँ पे देखेंगे आप कोमा कोमा है तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। आगे भी कुछ इसी तरह से आप बना सकते हैं, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो नोट मेकिंग किस तरह से करते हैं पता चल गया होगा, एंड इसकी आप देखेंगे इन्होंने सब हेडिंग में लिखा हुआ है क्या क्या चीजें, 2.3 2.4 यहाँ है, 2.5 यहाँ पे लिख दिया मैंने, बाकी नीचे यूज करना है आपको। एंड तीसरा बोला गया रोल ऑफ सोशल एंड जो है स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, ORG लिखा, यानी यहाँ पे ORG ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे इसकी सब हेडिंग्स यूज की गई है, ये भी आपको पैसेज के अंदर ही दिख जाएंगे। एंड लास्ट में इन्होंने सजेशंस भी दिए हुए, आप भी दे सकते हैं, टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है कि टॉपिक क्या है, ठीक है। तो ये आपका होगा नोट मेकिंग, नोट मेकिंग ये बन गई। एंड लास्ट में इसकी रहती है बी वाला जो क्वेश्चन रहता है इसका, समरी के ऊपर होता है, 50 वर्ड के अंदर जो है आपको समरी लिखनी होती है, ठीक है। एंड ये आपकी समरी कुछ इस तरह से है, करप्शन के ऊपर, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं समरी को अपने शब्दों में, 50 वर्ड में आपको जो है इतना बड़ा है तो उसकी समरी लिखनी पड़ती है। तो ये कुछ इस तरह से बनती है नोट मेकिंग, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बाकी मैंने एक चीज बताई है आपको कि नोट मेकिंग आपको बिल्कुल भी नहीं आती है, ठीक है। आपको टाइटल तो पता होगा ना, टाइटल क्या लिखना है आपको, टॉपिक जान लो आप। एंड इसके बाद जो है इसमें देखना है कि इसमें कोमा कोमा कहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कोमा कोमा कहाँ पर है, आपको उसको जो है बना सकते हैं। जैसे हमने जो दो डिस्कस किए उसमें वो हमने कोमा देखे, कॉमन चीजें देखी जिसके अंदर कोमा लगा हुआ था एंड वहां से उठाया गया, तो वो इम्पोर्टेंट होगी क्या पता, इसलिए। तो ये आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं नोट मेकिंग को, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एंड पार्ट वन यहीं तक रहने देते हैं, पार्ट टू के अंदर जब हम वीडियो डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर, तो उसके अंदर हम सेक्शन आपका बी एंड सी वाला डिस्कस कर लेंगे, जो कि राइटिंग स्किल एंड ग्रामर का होगा सेक्शन बी, इसका भी ऑलरेडी हमने बना रखा है। बाकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बन जाए इसलिए तोड़ के बनानी पड़ती है, क्योंकि एक दो मिनट तक बच्चे देखते हैं बस, एवरेज वॉच टाइम बहुत कम रहता है, दो मिनट का रहता है, ढाई मिनट का रहता है। एंड वीडियो जो रहती है वो 30-30 मिनट की रहती है, ठीक है, 25-30 मिनट 35 मिनट रहती है, तो बच्चे देखते नहीं है इसीलिए तोड़ के बनाना ही सही रहता है। बाकी ये आपका पार्ट वन था, आई होप कि आप सभी को पेपर थर्ड जो हमने पार्ट वन आज की इस वीडियो में डिस्कस किया ये आपको समझ आ गया होगा। मिड टर्म का सैंपल पेपर 2024-25 का था, जो कि 25 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए बनाया जा रहा था। तो इंग्लिश कोर का हमने थर्ड पेपर डिस्कस कर लिया है, इसका पार्ट वन हमने डिस्कस कर लिया है, पार्ट टू का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जल्दी ही मिल जाएगा एंड वहां से आप देख सकते हैं पार्ट टू। आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा। एंड थर्ड पेपर के अलावा भी हमने और पेपर करवाए, जैसा कि मैंने आपको बताया पेपर वन उसके भी दो पार्ट, पेपर टू उसके भी दो पार्ट, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। बाकी मैं आपको दिखा दूंगा आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में कैसे जाना है, वहां से आप सारी वीडियोस को देख पाएंगे। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, चैनल पर नए हो तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बॉक्स दिखेगा जो कि मैं अभी आपको दिखा दूंगा जैसे ही आगे बढ़ते हम। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो वैसे आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, कृष्णा साहनी 08 करके मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, VSP क्लास 11th ग्रुप, जो कि टेलीग्राम पर है। बाकी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, अगर आपको हमारे चैनल पे पहुँचना है तो यहाँ पे देखिए आप YouTube पे सर्च करेंगे विद्यालय स्टडी पॉइंट एंड यहाँ पे कुछ इस तरह से वीडियो वाले सेक्शन में जब आप आएंगे तो यहाँ से प्लेलिस्ट वाला सेक्शन आपको दिख रहा होगा। आप जैसे ही प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में बढ़ेंगे तो आपको जो है दो प्लेलिस्ट मिलेगी, हमने दो प्लेलिस्ट बना दिए, एक तो क्लास 11th इंग्लिश मिड टर्म सैंपल पेपर 2024-25 और एक में हमने सब्जेक्ट नहीं डाला है, सिंपली क्लास 11th सैंपल मिड टर्म सैंपल पेपर 2024-25, दोनों ही प्लेलिस्ट आपको देखनी है, वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी ये था आज का वीडियो, कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कुछ इस तरह से सब्सक्राइब का बॉक्स दिखेगा आपको, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है एंड बेल आइकन निकल के आएगा तो उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, इससे जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए करेगी और आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख पाओगे। बाकी ये था आज का वीडियो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताइए अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो, एंड चैनल पर नए हैं तो नीचे आपको बॉक्स दिखेगा जैसा कि मैंने बताया सब्सक्राइब का, आपको उस पर क्लिक करना है एंड बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है। यही था आज का वीडियो, आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।